स्क्रीन पर दिख रहे इस एक्टर को आप पहचानते ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये है अजय नाथ, जो 90s में आए शो श्रीमान श्रीमती शो में चिंटू का किरदार निभाकर काफी पॉपुलर हुए थे। इस शो के अलावा अजय कई फिल्मों और टीवी शोज में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल प्ले करके खूब पॉपुलर रहे। वहीं अजय फैमिली नंबर वन जैसे टीवी शोज का हिस्सा भी रह चुके हैं। अजय को आखिरी बार CID शो में सब इंस्पेक्टर पंकज के रोल में देखा गया था। साल 2018 में CID के बाद अजय कहीं भी दिखाई नहीं दिए। उन्होंने तमाम प्लेटफॉर्म से दूरी बना ली थी। वहीं अब लंबे वक्त के बाद अजय ने इस बात का खुलासा किया है कि आखिर वो इतने टाइम से कहाँ थे और क्यों गायब थे। आपको बता दें कि अजय ने तकरीबन 2 साल के बाद एकता कपूर के शो बड़े अच्छे लगते हैं Part 2 में राम कपूर के दोस्त के रोल से कमबैक किया है। वही अब टीवी पर कमबैक करते ही अजय ने अपने भयंकर एक्सीडेंट का किस्सा शेयर किया है और बताया है कि वो इस एक्सीडेंट की वजह से 5 महीने तक बेड पर रहे थे। जिया टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में अजय नाथ कहते हैं, CID खत्म होने के बाद मुझे कई प्रोजेक्ट्स के ऑफर आए थे, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला। इस दौरान महामारी ने चीजें खराब कर दी थी। हालांकि मैं भाग्यशाली था कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं 2 में आदित्य का किरदार मिल गया। आदित्य राम का बिजनेस पार्टनर है, वो राम को इमोशनल सपोर्ट करता है। मैं कुछ ऐसा करने वाला था जो मैंने कभी नहीं किया। वहीं अजय ने अपने एक्सीडेंट के किस्से के बारे में बताया, मैंने 40 किलो वजन घटाया था, इसके लिए मैंने डाइट और फिटनेस पर ध्यान दिया। मेरा पिछले साल बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण मेरे 3 पसलियां टूट गई थी और किडनी में चोट आई थी। मैं 1 हफ्ते से ज्यादा अस्पताल में रहा था, मुझे 4 से 5 महीने बेड रेस्ट के लिए कहा गया था। मेरा बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था, डॉक्टर ने भी कहा कि मैं दोबारा वर्कआउट शुरू कर सकता हूं। वहीं कम प्रोजेक्ट्स करने पर अजय कहते हैं, मैं जब चाइल्ड आर्टिस्ट था तो बेहद एक्टिव था, लेकिन अब चुनिंदा काम करता हूँ। मैं तभी किसी किरदार को हाँ कहता हूँ जो मुझे लगता है कि ये किरदार फर्क ला सकता है। बकौल अजय, बड़े अच्छे लगते हैं 2 में बेहद अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि लोगों ने जैसे CID में पंकज के किरदार को पसंद किया, वैसे ही आदित्य को पसंद करेंगे। आपको बता दें कि टीवी में एक्टिव रहने से ज्यादा अजय फिल्मों में काफी एक्टिव रहे हैं। वो अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें कानून, गॉड एंड गन, परदेश, ये है जलवा, 1 और 11, मिलेंगे मिलेंगे समेत ढेरों फिल्में शामिल हैं। हालांकि जिस तरह से अजय ने अपने एक्सीडेंट का किस्सा अब सालों बाद शेयर किया, वो काफी हैरान करने वाला है। लंबे वक्त के बाद अजय ने फिर से टीवी पर वापसी की है। हालांकि देखना यह है कि राम के साथ साथ उनके किरदार को जनता कितना प्यार देती है।